गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ योर इंग्लिश क्लास, क्लास फिफ्थ, चैप्टर थर्ड, मोहनिया। टुडे वी विल रीड द चैप्टर मोहनिया। मोहनिया इट्स अ वेरी फेमस लीडर, आर नेशनल फादर महात्मा गांधी, हिज पेट नेम मोहनिया। मोस्ट ऑफ अस नो about how Mahatma Gandhi led India's peaceful fight for freedom from the British. Most of us, हम में से बहुत से जानते हैं कि महात्मा गांधी ने किस तरीके से लेड किया था इंडिया के पीसफुल फाइट में, हमें ब्रिटिश से फ्रीडम दिलाने में। Here is a brief look at his childhood. यहाँ पर छोटा सा ब्रीफ लुक देखेंगे उनके बचपन का। ये स्टोरी जो है मोहनिया, ये उनके चाइल्डहुड से रिलेटेड है, तो हम उनके चाइल्डहुड के बारे में कुछ इंसिडेंट्स को जानेंगे। नाउ, पोरबंदर इज़ ए कोस्टल टाउन इन गुजरात। पोरबंदर जो था वो कोस्टल टाउन था गुजरात में, अबाउट अ किलोमीटर फ्रॉम द टी वॉज अ थ्री स्टोरी वाइट हाउस वेयर द फाइव ब्रदर्स ऑफ द गांधी फैमिली लिव। अबाउट अ किलोमीटर फ्रॉम द सी वॉज अ थ्री स्टोरी वाइट हाउस। लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर समुद्र से थ्री स्टोरी वाइट हाउस बना हुआ था, जहाँ पर पांच भाई गांधी फैमिली के रहते थे। किसके पांच भाई रहते थे? गांधी फैमिली के। वन ऑफ देम वॉज करमचंद गांधी। उनमें से एक का नाम क्या था? करमचंद गांधी, द दीवान ऑफ पोरबंदर। और वो क्या थे? पोरबंदर के दीवान थे। दीवान मतलब दीवान जो एक इम्पोर्टेंट ऑफिसर होता है, गवर्नमेंट ऑफिसर दीवान। तो उस टाइम जो करमचंद गांधी थे, करमचंद गांधी इज़ वॉज द फादर ऑफ महात्मा गांधी। ओके, तो महात्मा गांधी के जो पिता थे उनके पांच भाई एक साथ रहते थे, कि जॉइंट फैमिली थी। ऑन 2 अक्टूबर 1869 करमचंद वाइफ पुतलीबाई गेव बर्थ टू देयर फोर्थ चाइल्ड। 2 अक्टूबर 1869 को करमचंद की पत्नी यानी कि महात्मा गांधी की वाइफ पुतलीबाई ने अपने चौथे बच्चे को जन्म दिया। द बेबी बॉय हैड बिग ईयर्स एंड वेरी ब्राइट आइज। जो बेबी बॉय था यानी कि जो बच्चा हुआ वो क्या था? एक बॉय था। उसके बड़े बड़े कान थे, बहुत ही ब्राइट आँखें थीं। चार्म्ड बाय हर बेबी, और वो अपनी बेबी के से क्या थी? बहुत ज़्यादा डिलाइटेड थी, बहुत हैप्पी थी। देन पुतलीबाई नेम्ड हिम, पुतलीबाई ने उसका नाम क्या रख दिया? मोहनदास, एंड कॉल्ड हिम मोहनिया। उन्होंने उससे, इतना खूबसूरत थे वो, हैंडसम थे, तो उनकी माँ ने उनका नाम क्या रख दिया? मोहनिया रख दिया। तो उन्होंने उनका नाम क्या रख दिया? पुतलीबाई नेम्ड हिम मोहनदास एंड कॉल्ड हिम मोहनिया, मीनिंग चार्मर। मोहनिया का मीनिंग क्या होता है? चार्मर। शी लविंगली पुट अ स्ट्रिंग ऑफ बीट्स अराउंड मोहनियाज नेक। और वो बहुत ही प्यार से उनके गले में कौन सी माला डालती थी? मोतियों की माला वो हमेशा अपनी नेक में पहने रहते थे मोहनिया के गले में। मोहनिया हैड टू ब्रदर्स एंड लक्ष्मी दास एंड कृष्ण दास। मोहनिया के दो भाई थे, लक्ष्मी दास और कृष्ण दास। एंड रलियत हिज सिस्टर, और उनकी एक सिस्टर थी, वॉज 4 years ओल्डर दैन हिम, और वो 4 साल बड़ी थी मोहनिया से। मोहनियाज मदर वॉज रिलीजियस लेडी एंड शी विजिटेड द टेम्पल एवरी डे। मोहनिया की जो मदर थी वो बहुत ही रिलीजियस थी, बहुत धार्मिक थी, और विजिट करती थी टेम्पल, वो हर दिन मंदिर जाया करती थी। वैन हिज मदर सैट इन फ्रंट ऑफ द डैटी, जब उनकी मदर डैटी के आगे बैठती थी, डैटी यानी गॉड, जब वो पूजा करती थी तो जब भगवान के आगे बैठती थी, मोहनिया टू सैट क्रॉस लेग विद क्लोज्ड आइज एंड फोल्डेड हैंड्स। मोहनिया भी उनके साथ क्रॉस लेग करके, अपनी आइज क्लोज करके, अपने हाथ जोड़कर बैठ जाता था। वन डे मोहनिया सा स्कॉर्पियन क्रॉलिंग ऑन टू हिज मदर्स फुट। एक दिन मोहनिया ने देखा स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन क्या होता है? बिच्छू को क्रॉलिंग करते हुए उसकी मम्मा के पैर पर। ही क्राइड आउट, चिल्लाया, बा आ स्कॉर्पियन। उसने क्या बोला? माँ यहाँ पर क्या एक स्कॉर्पियन है। हिज मदर पुट अ फिंगर ऑन हर लिप्स, मदर ने अपनी फिंगर लिप्स पर रखी, एंड देन शुक हर फुट, और अपने फुट को हिलाया।
द स्कॉर्पियन क्रैप्ड अवे, स्कॉर्पियन जो होता है इसके पैर पे से नीचे गिर के और चला गया। बा वाई डिडेंट यू किल इट, फिर मोहनदास ने क्या पूछा, बा आपने उसको मारा क्यों नहीं। बा स्माइल एंड सेड, बा हंसी और बा ने कहा लेट इट ऑल्सो लिव, उसे भी जीने दो। मोहनिया सा द स्कॉर्पियन क्रॉलिंग आउट ऑफ द रूम, मोहनिया ने देखा कि जो स्कॉर्पियन था वो रेंगते हुए बाहर कमरे से बाहर चला गया। When Mohania was six, he was sent to a primary school near his house. Mohania जब 6 साल का हुआ तो उसको primary school में admission करा दिया गया जो कि उसके घर के पास ही था। Sitting on a mat पर बैठा हुआ था। He wrote the Gujarati alphabet on the sand with his finger. वो school में बैठा हुआ था और sand पर, मिट्टी पर वो अपने हाथ से alphabets लिख रहा था, गुजराती alphabet. As soon as the last bell rang, और जैसे ही last bell बजती थी, मोहनिया rushed back to his mother. मोहनिया जल्दी से भागकर अपनी मम्मा के पास जाया करता था। मोहनिया was not fond of going to school, but loved to play with his brothers. मोहनिया को स्कूल जाने का शौक़ नहीं था, लेकिन उसको पसंद था अपने ब्रदर्स के साथ प्लेइंग करना। Because he was the youngest, क्योंकि वो सबसे छोटा था, his elder brothers often teased me, तो उसके जो बड़े भाई बहन थे उसको क्या करते थे, टीज करते थे, मतलब उसको चिढ़ाते थे। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हमें छोटे भाई बहन होते हैं उनको बड़े भाई बहन जो होते हैं उनको चिढ़ाते हैं, तो उन्हें भी चिढ़ाते थे। वन डे वैन वन ऑफ हिज ब्रदर्स पुल्ड मोहनियाज ईयर, ही रैन टू हिज ब्रदर एंड कंप्लेन टू हर। वन डे जब उसके भाई ने उसके कान खींचे मोहनिया के परेशान करने के लिए, ही रैन टू हिज मदर, वो भाग कर अपनी मम्मा के पास गया और उन्होंने उनकी कंप्लेन कर दी। वाई डिडंट यू हिट हिम बैक, आस्क्ड हिज मदर इरिटेटेड, वो उसकी मम्मा ने उससे बहुत ज़्यादा इरिटेट होकर कहा कि वाई डिडंट हिट हिम बैक, तुम उनको वापस से क्यों नहीं मारते हो। आस्क्ड हिज मदर, मोहनिया लुक्ड एट हर विद आईज वाइड ओपन एंड आस्क्ड, मोहनिया ने अपनी आंखों से, मोहनिया लुक्ड एट हर, मोहनिया उनकी तरफ, उनकी आंखों की तरफ, अपनी मम्मा की तरफ देखने लगे, वाइड आईज ओपन एंड आस्क्ड, और कहा बट वाई शुड आई हिट हिम, लेकिन मुझे उन्हें क्यों मारना चाहिए। ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, ये तो मेरे बड़े भाई हैं, मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ। पुतली बाई पैटेड हिम लविंगली, पुतली बाई ने उनके कंधे पर पैटेड यानी थपथपाया बहुत ही प्यार से। एंड मोहनिया वेंट बैक टू प्ले, और मोहनिया वापस चले गए खेलने के लिए विद हिज ब्रदर्स वंस अगेन, एक बार फिर अपने भाइयों के साथ। When Mohania was seven, जब मोहनिया 7 years के हुए, his father took up another job. उसके पापा को एक नई जॉब ले ली, this time as a दीवान of the princely state of Rajkot. और इस बार वो कहाँ के दीवान बनाए गए थे, princely state. What is the meaning of princely state? A place ruled by an Indian king. जब ब्रिटिश ज़माने में ब्रिटिश रूल था इंडिया के अंदर, तब की बात हो रही है, उनको पोस्टेड कर दिया गया इंडियन किंग के पास, वहाँ दीवान हो गए वो। मोहनिया एंड हिज मदर ज्वाइन ही, मोहनिया और उसकी मदर, क्योंकि मोहनिया सबसे छोटा था, वो भी अपनी मम्मा के साथ चली गई उनके पापा के साथ। इन राजकोट सम टाइम लेटर, कुछ टाइम बाद, मोहनिया वॉज एडमिटेड टू अ न्यू स्कूल, मोहनिया का एक नए स्कूल में एडमिशन हो गया। बट ही डिड नॉट मैक फ्रेंड्स, लेकिन वो फ्रेंड्स नहीं बना पाया बहुत लंबे टाइम तक। मोहनिया वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज मदर, मोहनिया जो था वो अपनी मम्मा का बहुत फॉन्ड ऑफ था, यानी कि मम्मा का बहुत प्यारा था, उसे मम्मा के पास रहना पसंद था। एंड वंस शी डिसाइडेड टू ऑब्जर्व ए फास्ट, एक दिन जब उसकी मम्मा ने डिसाइड किया कि वो एक फास्ट रखेंगी, ऑब्जर्व ए फास्ट यानी कि फास्ट रखना, आपने देखा होगा हिंदू रिलीजन में फास्ट रखे जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हम उपवास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उपवास, यानी कि गो विदाउट फूड फॉर ए पीरियड फॉर रिलीजियस और हेल्थ रीजन्स। शी वुड टेक ओनली वन मील इन अ डे, और इस फास्ट में जो कि रेनी सीजन में रख रही थी वो, उसमें से वो दिन में एक बार ही खाना खा सकती थी। शी वुड वेट टू सी द सन, और उनको सन का वेट करना पड़ता होता था खाना खाने के लिए। देन ईट दिस वन मील, दिन में वो एक बार खाना खा सकती थी, वो भी सूरज को देख कर। As soon as he saw the sun emerging from the clouds, he rushed inside and called. As soon as,
और इसीलिए कि वो जो गांधी जी थे, जो मोहनिया था, वो दरवाजे पे खड़ा हो जाता था और देखता रहता था। जैसे ही सन निकलता था वो जल्दी से भाग कर अंदर जाता था और अपनी माँ से कहता था, माँ द सन हैज़ अपीयर्ड, के सन निकल आया है। ही हेल्ड हर बाय द हैंड एंड कैम आउट, उसका हाथ पकड़ कर उसको बाहर लेके आता था। बट द क्लाउड्स हैड कवर्ड द सन अगेन, लेकिन क्लाउड्स जो थे उन्होंने वापस से क्या करा था, सन को कवर्ड कर लिया था। I will wait for some more time, said his mother. उसकी मम्मा ने कहा कि मैं कुछ और टाइम वेट करूँगी जब तक कि सन नहीं निकल जाता। मोहनिया felt very sad. मोहनिया बहुत उदास हो गया। क्यों उदास हो गया? क्योंकि उसकी मम्मा ने खाना नहीं खाया था, सन निकला था बट वो अंदर चला गया था। तो that's why he was very sad. In the night when Mohania was alone with his mother, रात को जब मोहनिया अपनी मम्मा के साथ अकेला था, he asked, बा वाई डू यू ऑब्जर्व अ फास्ट, कि बा आप फास्ट क्यों रखते हो? आई वॉन्ट टू लीड अ डिसिप्लिन लाइफ एंड फास्टिंग हेल्प्स मी टू डू सो। मोहनिया की मदर ने क्या कहा कि आई वॉन्ट टू लीड अ डिसिप्लिन लाइफ, मैं अपनी लाइफ में डिसिप्लिन चाहती हूँ और जो फास्ट है वो मुझे मदद करते हैं ऐसा करने में। मोहनियाज होम वॉज फिल्ड विद बुक्स, मोहनिया का घर जो था वो किताबों से भरा हुआ था। विच ही loved to read, जिसे उसको पढ़ना बहुत पसंद था। Most of the books were religious, बहुत सारी books थी जो religious थी और बहुत सारी का ऐसी थी mythological थी। Mythological books क्या होती हैं? That related to ancient events which may or may not have happened, जो पुराने टाइम से related कहानियाँ होती हैं उनसे related होती हैं उन्हें बोलते हैं mythological। Once he saw turn the page number 23rd. Once he saw a play of the life of King Harishchandra, who did not give up the path of truth despite the terrible difficulties he faced. एक दिन उन्होंने क्या देखा, एक प्ले देखा। प्ले और प्ले किस पर था, किसकी लाइफ पर था? किंग हरिश्चंद्र की। जो कैसे थे उनकी लाइफ क्या थी, बहुत ही सत्य पे चलने वाली। ही डिड नॉट गिव अप, उन्होंने कभी भी सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा। हालांकि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टेरिबल डिफ़िकल्टीज उन्होंने फेस करी, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी ट्रुथ के पार को नहीं डिस्पाइट किया। हरिश्चंद्र बिका मोहनियाज आइडियल, और इसी वजह से जब से हरिश्चंद्र जो थे वो मोहनिया की लाइफ के आइडियल बन गए। आइडियल क्या होता है? हीरो, रोल मॉडल। वन डे द इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स एन इंग्लिश मैन नेम्ड मिस्टर गिल्स विजिटेड मोहनियाज स्कूल। अब मिस्टर गिल्स नाम के एक इंस्पेक्टर थे जो स्कूल्स को चेक करने आते थे, इंग्लिश मैन, वो मोहनिया के स्कूल में भी विजिट करने आए। द इंस्पेक्टर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू राइट 5 words एंड वन ऑफ द वर्ड्स वॉज कैटर। इंस्पेक्टर ने स्टूडेंट से 5 words लिखने के लिए कहा, जिनमें से एक वर्ड क्या था, कैटल था। मोहनिया स्पेल द वर्ड रॉन्गली, मोहनिया ने वो वर्ड गलत लिखा। The teacher prompted him to copy the correct spelling from the boy sitting next to him. Teacher ने उसको prompted यानि quietly, उसने चुपचाप धीरे से मोहनिया से कहा कि तुम्हारे पास में जो बच्चा बैठा है उसके में से सही spelling copy कर लो। But Mohania was in a fix. In a fix यानि very difficult situation. मोहनिया जो थे बहुत ही difficult situation में पड़ गए, because ही क्विकली आग्र हिमसेल्फ, उसने जल्दी अपने आप से पूछा। डिफ़िकल्ट कंडीशन क्या थी कि मोहनिया गलत काम नहीं करना चाहते थे, वो झूठा काम नहीं करना चाहते थे, और उनके टीचर उनको चीटिंग करने के लिए कह रही थी, जो कि एक गलत काम था। इसीलिए मोहनिया ने जल्दी से अपने आप से सवाल किया, शुड आई ओबे द टीचर, क्या मुझे टीचर को ओबे करना चाहिए? नो, सेड हिज इनर वॉइस, उसके अंदर से आवाज़ आई, नहीं। मोहनिया डिड नॉट डू सो, मोहनिया ने ऐसा नहीं किया। मोहनिया वॉज अ ड्यूटीफुल बॉय एंड वॉज ऑलवेज पंक्चुअल इन रीचिंग स्कूल। मोहनिया जो थे बहुत ही ड्यूटीफुल थे, बहुत ही ओबीडियंट थे, कहना मानने वाले थे, और वो बहुत ज़्यादा पंक्चुअल थे, यानी कि वो हमेशा टाइम के पाबंद थे, हमेशा स्कूल टाइम पर पहुँचते थे। इफ़ ब्रेकफास्ट वॉज नॉट रेडी, अगर ब्रेकफास्ट रेडी नहीं होता था, ही वुड ईट समथिंग एल्स, वो कुछ और खा लेते थे।
एंड रीच स्कूल ऑन टाइम, और स्कूल को टाइम पर पहुंचते थे। दो ही डिड नॉट डू टू वेल इन अर्थमेटिक, हालांकि वो काय में अच्छे नहीं थे, वो अर्थमेटिक में अच्छे नहीं थे, बट ही वॉज गुड एट ग्रामर, लेकिन उनकी ग्रामर अच्छी थी, उनकी हिस्ट्री भी अच्छी थी, ज्योग्राफी भी अच्छी थी। पढ़ाई में उनकी जो अर्थमेटिक सब्जेक्ट था वो उनका अच्छा नहीं था, लेकिन बाकी की ग्रामर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। सो थ्रू आउट हिज लाइफ मोहनदास करमचंद गांधी वॉज गाइडेड बाय द वैल्यूज ही लर्नड एज ए चाइल्ड। थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ मोहनदास करमचंद ने गाइड किया, फॉलो किया उन वैल्यूज़ को जो उन्होंने अपने बचपन में सीखा था, कभी उस बात से वो पीछे नहीं हटे। ही स्पोक द ट्रूथ एंड नेवर रेस्ड हिज हैंड एट एनी वन, उन्होंने हमेशा सच बोला और उन्होंने कभी भी अपना हाथ, नेवर रेस्ड हिज हैंड यानी उन्होंने कभी अपना हाथ नहीं उठाया किसी को मारने के लिए। सो डैट इज़ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी अबाउट द मोहनदास करमचंद गांधी। द फुल नेम ऑफ गांधी जी इज़ मोहनदास करमचंद गांधी, and the chapter is extracted from Gandhi, the man of peace. It is written by Manorama Jaffa. Manorama Jaffa ने ये story लिखी है, ये biography लिखी है महात्मा गांधी की, जिसमें से ये chapter लिया हो गया है। इस chapter से हमें बहुत सारी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं कि हमें अपनी life में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी किसी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, और हमेशा सच के रास्ते पर चलना चाहिए। Always follow the path of truth despite the terrible difficulties we face. Okay, so that is the chapter. I hope you understand. If you have any problem, you can consult me. Okay, thank you.